चलो मिलके रॉक करते हैं, चलो मिलके रॉक करते हैं, चलो चलो मिलके रॉक करते हैं, चलो मिलके रॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज हो रही है पूरे दिन बारिश, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स झबरू के बारे में। जी हाँ, झबरू कौन है? झबरू एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो अपने आप को आर्टिस्ट कहता है नहीं, तो उसकी कहानी आज जानेंगे उसी की जुबानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं झबरू की। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त झबरू और आज मैं बताने वाला हूँ आपको ड्रॉ करके एक फोटो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो फोटो जो मैं मोबाइल से ड्रॉ करने वाला हूँ और देखता हूँ कि मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट पोर्ट्रेट है। तो लेट्स गो, आज इसको देखेंगे कैसे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, क्या मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगा, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आउटलाइंस पहले से ही ड्रॉ कर ली हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। हमारे साथ झबरू जी हैं और झबरू जी से जानेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आर्ट के बारे में। झबरू जी बताइए कि आपको आर्ट में कैसे आपने इतनी सक्सेस पाई, आपने क्या ऐसा किया कि आपको बेसिकली आर्ट में इतना एक्सीलेंस मिला, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए आपने कैसे इतनी मेहनत करके इतना अचीव किया है। तो देखिए मैं बताऊं आपको कि आर्ट में ऐसा कुछ भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाया, इसी तरह से आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। आउटलाइंस अब यू नो आप, मतलब मैं कितने अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद फिर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को। तो ये कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने बहुत सालों इस पर मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद जाके मुझे ये आया है। जी जी झबरू जी, जी जी, आप हमारे आप आज के जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको आप झबरू जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि वो क्या करें कि वो आर्ट में बहुत अच्छा एक्सेल करें, आप क्या बताना चाहेंगे उनको? कुछ नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप बस रॉक करते रहो, इंजॉय करते रहो, ड्रॉ करते रहो, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही ड्रॉ करते रहो, आप आर्टिस्ट बन जाओगे, जैसे मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं आप भी, तो रॉक करते रहें हम। वाह झबरू जी वाह, क्या बात बताइए आप, मान गए आपको बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद झबरू जी, थैंक यू। देखा फ्रेंड्स आपने, आजकल यही झबरू वाला गेम चल रहा है हर जगह पे। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पर्टिकुलर आर्टिस्ट से मिलके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत सारे लोग आर्ट बताते हैं, आर्ट सिखाते हैं और दिखाते हैं कि इस तरह से कि वो ड्रॉ करने वाले हैं उस चीज़ को, बट ड्रॉ नहीं करते, वो उसको बेसिकली पहले से ही ड्रॉ करके रखा है एंड देन जस्ट हैव टू फिल इट आउट, मतलब उसमें केवल शेड्स भरनी है या कलर भरना है। तो एक्चुअली कलर्स भरने वाले चीज़ों में तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि आपने, क्योंकि आपको कलरिंग दिखानी है या आपको अगर शेडिंग दिखानी है, पर्टिकुलरली अगर आपका वीडियो इसलिए है कि आपको बेसिकली खाली शेड्स दिखानी है उसमें, तो भी ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपको ड्रॉ दिखाना है, हाउ टू ड्रॉ या कैन आई ड्रॉ या क्या मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, इस टाइप की वीडियोज़, इसमें अगर आप पर्टिकुलरली आप ये काम कर रहे हो है ना, या आई एम ड्रॉइंग दिस एंड उसमें आप ऐसे दिखा रहे हो कि आउटलाइंस आपने पहले ड्रॉ कर ली, तो इसका मतलब ही नहीं रह गया कुछ भी। क्योंकि अगर आपको इसमें ड्राइंग दिखानी है या सिखानी है किसी को, या कुछ आप उसमें ऐसा बता रहे हो कि मैं क्या इसको ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, तो उसमें आप सबसे मेजर पोर्शन जो होता है जो कि आउटलाइन का होता है, अगर आप किसी भी नौसीखिए को, मतलब जिसने आज तक कभी पेंसिल नहीं उठाई हो, उसको आप आउटलाइन ड्रॉ करके दे दो और बोलो कि अब ये फेस मुझे ड्रॉ करना है, वो भी उसको ड्रॉ कर ले जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है, हमारे क्लासेस में ऐसे बच्चे आते थे जब हम उनको आउटलाइन ड्रॉ करके देते थे खाली शेड सिखाने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से शेड कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं जो हम सभी को बाय दैट टाइम आ जाती हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप ड्रॉइंग सीखो, शेडिंग सीखने में और उस जो छोटी मोटी टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, वो सब करने में आपको मुश्किल से एक महीना लगेगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को सीखने में बहुत टाइम जाता है।
कैसे प्रपोर्शंस मैच करने हैं, कैसे एनाटॉमी निकाल के आना है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए फेस का और किस एंगल पे ड्रॉ किया है, वेरियस हेड एंगल कैसे ड्रॉ होंगे, ये सब चीज़ें हैं जिसमें लगते हैं सालों साल, ठीक है, ड्राइंग के प्रैक्टिस करने में। और मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल कि अगर आपने किसी भी फेस की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद जो काम आपके पास बचा होता है वो होता है केवल और केवल उसका रिसेम्बलेंस मैच करने का। और अगर आपने आउटलाइन टेक्निक से ड्रॉ की है, मतलब इस टेक्निक से नहीं जैसे हमारे जबरू जी कर रहे थे, उस टेक्निक से ड्रॉ किया है जिसमें आपने प्रपोर्शंस देखा है, पेंसिल मेजरमेंट यूज़ किए हैं, या ल्यूमिस यूज़ किया है, या लाइट एंड शेड्स मेथड यूज़ किया है, तो वहाँ पे आपको एंड तक पोर्ट्रेट चैलेंजिंग लगता है आपको, मतलब आप नहीं समझ पाते हो कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा वैल्यू, और आखिरी तक उसका पोर्ट्रेट का चार्म बना रहता है आपके मन में। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले ही काम ख़त्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट 80% काम हो जाता है, उसके बाद 20% काम जो होता है जिसमें आपको शेड्स को अचीव करना होता है, और ढंग से उसको अगर आपने अचीव कर लिया तो पोर्ट्रेट 100% फिनिश्ड हो जाता है और बहुत अच्छा सा लगता है कि आपने बड़ी मेहनत करके बनाया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कैसे। और इनफैक्ट मुझे लगता है ये सबको पता भी है क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि जो पहले से आउटलाइन ड्रॉ कर लिया तो फिर उसमें क्या बात है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर उनका एम, अगर किसी का एम ये है कि वो आपको शेडिंग सिखाना चाह रहा है, ठीक है, हाउ टू शेड अगर ऐसा कोई वीडियो है, या अगर वो आपको कलरिंग सिखाना चाह रहे हैं तो कलरिंग में आपको बता रहे हैं कि कैसे कलर करना है, ठीक है, तो वो चीज़ तो चलो समझ में आती है कि आपने आउटलाइंस ड्रॉ कर लिए क्योंकि वहाँ पे आउटलाइंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे आप बेसिकली कुछ पर्टिकुलर थिंग सिखा रहे हो, शेडिंग सिखा रहे हो, कलरिंग सिखा रहे हो। लेकिन अगर आपको, आप बोल रहे हो ड्रॉ, तो फिर यार पूरा ड्रॉ तो करो यार, वो तो दिखाओ ना यार, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो आप, व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड इट, ठीक है, कुछ सोचने वाली बात है। तो यही चीज़ थी आपके साथ शेयर करने वाली, जस्ट फॉर फन, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीवन। आई लव ऑल दीज आर्टिस्ट जो भी अभी कर रहे हैं यूट्यूब पर, जो नए यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, मैं उन सबको बहुत प्यार करता हूँ तहे दिल से। मेरी किसी के लिए भी ऐसी हार्ड फीलिंग नहीं रही है, ना कभी होगी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, बींग एन आर्ट फील्ड में होने के इतने टाइम के बाद और आर्ट में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद, सीखने सिखाने के बाद, ये ज़रूर कहूँगा आपको कि भाई ऐसा मत करो, प्लीज़ रियल थिंग को भी सीखो, ठीक है, व्यू लाने हैं आपको, इंजॉयबल वीडियो बनाना है, ऐसा वीडियो बनाना है कि इसमें लोग अट्रैक्ट हों, मेन चीज़ तो वहीं रह गई ना। कल को अगर आपको कोई बुलाएगा कहीं पे कि आप आओ ज़रा एक पोर्ट्रेट बना दो, तो क्या आप आउटलाइन वाला बना के लेके जाओगे उनके दिखाने के लिए? ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग, पता है ऐसे भी हो चुका है एक्चुअली। एक जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे वो आउटलाइंस पहले से ड्रॉ करके पेपर के ऊपर लेके आए थे और बोले कि भाई मैं इसी पे ड्रॉ करूँगा। यार ये कमाल की बात है, मतलब आप सोच के देखो कि कितना हद लेवल जा चुका है इन चीज़ों में, इट्स नॉट गुड थिंग। अगर आप वाकई में, इफ़ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपको कहीं भी कुछ अगर ड्रॉ करने को दिया जाए तो बीइंग ऑनेस्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं कुछ ड्राइंग कर रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, तो जो आप लोगों ने पेंसिल बोली थी ना, ये वाली 8B पेंसिल, कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा सजेशंस आए थे, तो ये वाली पेंसिल यूज़ करके मैं कुछ ड्रॉ कर रहा था। यहाँ पे मैं क्लियर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, बट ड्राइंग अच्छी बन रही है, और कैसी बन रही है वो देखिएगा आप, आर्ट वाले चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था, फ़नी वीडियो था, एंजॉय करने के लिए था, तो एंजॉय करना है इसको, ठीक है, नेगेटिव कुछ मत लेना, सब पॉजिटिव लेना। लव यू ऑल फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।